अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे? अच्छा, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम एक बहुत ही इजी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों से, जो मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद आती है। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, बहुत इजी होती है। ये चिकन से बनती है, चिकन पुलाव बना रहे हैं हम आज, और ये बहुत ही क्विक होती है। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए, आप जल्दी से बना लें, तो इसमें कोई यखनी नहीं बनानी होती, इसमें यखनी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, चिकन से हम बनाएंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने दो प्याज ले लिए हैं, उसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ मैंने 1 केजी चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं जब ब्राउन हो गए हैं प्याज, तो इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून डाले हैं मैंने। और अब मैंने चिकन भी ऐड कर दिया है। चिकन को हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये हमारी चिकन फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें एक टमाटर, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट ली है, रेड चिली ली है 1 टीस्पून फॉर कलर, गरम मसाला हमने पिसा हुआ लिया 1 टीस्पून, जीरा साबुत लिया है 1 टेबल स्पून, धनिया कुटा हुआ लिया है क्रश 1 टेबल स्पून, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। पूरा हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये मैंने साइड पे राइस 1 केजी इनको मैंने सोक करके रखा हुआ है पानी में। अब ये हमारी चिकन हो गई है, इसमें मैंने 3 4 ग्रीन चिली डाल दी थी। अब मैंने इसके अंदर चावल भी ऐड कर दिए हैं। अब हम चावल के अंदर 2 कप पानी जो होगा वो हम ऐड कर देंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत कम लगे तो वो आप अपने अंदाजे से कर लीजिएगा। और इसको तेज हीट पे पहले रखिएगा जब तक उबाल ना आ जाए, और फिर हम इसको दम पे रख देंगे। अब हम इसे दम पे रख देंगे। ये तैयार है हमारा पुलाव। इसमें मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, जब हम खा रहे हैं इसको उस वक्त मैं सही तरह पिक्चर ले नहीं सकी थी। और ये रायते के साथ है, और ये है मेरी प्लेट। जी, तो देखिए आपने रेसिपी, होपफुली आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है आपको तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत मज़े की होती है, सबको बहुत पसंद आती है। तो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, एंड उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस लाइक कर रहे हैं, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।